देश कदापि नायाति दरिद्रतम नायाति दरिद्रतम नायाति दरिद्रतम। भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन अध्याय, सुरक्षित जल जंगल जमीन और गाय, एक अनमोल प्राकृतिक संपदा। कृषि प्रधान देश में इसका उपयोग अनादिकाल से धरोहर के रूप में होता आया है। गाय की एक देन है बैल। जमीन के साथ इसका रिश्ता कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है जैसा कि अपनी संतान के लालन पालन में लगी किसी ममतामयी माँ का रोज का दिनचर्या। शक्ति ऊर्जा तेरी फूले फले खेती गाँव गाँव की हो, रक्षा करो तुम रक्षा करो रक्षा करो गौ माता की रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो गौ माता की रक्षा करो। खलियानों से उब जाए धान, देती है तू बैल बलवान। खेत खलियानों से उब जाती है धान, देती है तू हमें बैल बलवान। सदियों से देश का अभिमान, बचेगी गाय तो बचेगा किसान। वरदान है वो ईश्वर का, उपकार मानो आज गौ माता का। रक्षा करो तुम गौ माता की, सर 2 मिनट गाँव के लोग गोष्ठी मना रहे हैं, 2 मिनट लगे सर। क्या है सब गाय माता गो पूजा गोपाष्टमी, पता है तुम्हें कुछ? मुझे पता है लेकिन मुझसे ज्यादा इससे पता है। नहीं मैडम मैं नहीं बोल सकता हूँ। बकवास, ये जो आप पूजा बोलते हो ना वो हमारा उनके प्रति श्रद्धा और भावना है और कुछ नहीं। और तुम चुप रहो, तुम्हें पता है क्या तुमने गाँव में कभी रहे? वो गाँव का है इसलिए उसे सब कुछ पता है, वो बोल रहा है वो सुनो। हाँ तू बोल। सर ये बहुत पुराना प्रथा है, गांव के लोग बहुत मानते हैं। इसलिए तो तुम वहीं रह गए हो ना, 100 साल के पीछे ही चल रहे हो। ऐसा नहीं है, एक्चुअली आप लोग मेहनत करना नहीं जानते हो, आपको मेहनत करना नहीं है। गाँव वाले जितना मेहनत करते हैं ना आप सोच भी नहीं सकते हो। सर्दी हो गर्मी हो धूप हो कुछ नहीं मानते, उसके साथ ही चलते हैं।
तू मेरा नौकर है, तू ही मुझे उपदेश दे रहा है। सॉरी सर, मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए, मैं आपका नौकर ही हूँ, लेकिन मैं गांव का हूँ इसके लिए मेरे को ये सब मालूम है। बारे मनीष बा, बहुत अच्छा चीज है, कल से तो सिर्फ सुबह 6 बजे उठने वाला है ऐसा लग रहा है। सर कुछ बात ऐसा है जो पढ़ने लिखने से नहीं मालूम पड़ता है, कुछ अनुभव लेना पड़ता है। जवाब दो आप, हजार साल पहले कहाँ था ट्रैक्टर? अरे वो तब अभी था, 100 साल पहले भी नहीं था। अरे वो सब था तब था, अभी आज की बात करो ना, आज के जमाने की बात करो। हमारे बाप दादा के टाइम पे भी था क्या? लेकिन इसी से ही चला ना। वो होता है सब, आज आज का देखो ना, वो जमाना आता था। सर आज के डेट में हमारे गांव में ऐसे छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास इतनी छोटी छोटी जमीनें हैं जिनमें ट्रैक्टर काम नहीं आएंगे, तो हम बैल का ही यूज करते हैं। सर ऐसा नहीं है, आप लोग मेहनत करना नहीं जानते हो। सारे वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा ये प्रमाणित हो चुका है कि दूध, दही और घी मानव शरीर को संतुलन हर तरह से बनाए रखता है। खाद के रूप में गोबर का दूसरा कोई पर्याय आज उपलब्ध नहीं है। मैं एक किसान हूँ, खेती करता हूँ, हर साल खेती करता हूँ, लेकिन हर साल मैं जमीन में रासायनिक खाद डालता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा गोबर नहीं उपलब्ध होता, इसलिए मैं रासायनिक खाद डालता हूँ। जब रासायनिक खाद डालता हूँ तो जमीन नापीक बन जाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए गोबर से बढ़कर सस्ता और सुलभ और कोई ईंधन हो ही नहीं सकता। गोबर से बनी राख भी फेंकी नहीं जाती। तरह तरह के सड़कें कच्चे हैं, जहां रेल या ट्रक नहीं पहुंच पाए वहां गांव वालों के लिए बैलगाड़ी के सिवाय दूसरा कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है। नमस्ते, मैं प्रभात टीवी की ओर से गीता मिश्रा। आज के प्रमुख समाचार। आज गोपाष्टमी, ये उत्सव सदियों से हमारे देश में धूमधाम से मनाया जाता था। देश के हर एक गांव में गाय की पूजा होती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से ये उत्सव के बाद गांव में कुछ कम दिखाई दे रही है, जिसका आज ये रिपोर्ट। और इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता मीना राउत का एक विशेष रिपोर्ट। आइए हम मिलते हैं स्वामी जी से, सुनते हैं उनका क्या कहना है। आप इस बारे में क्या कहते हैं स्वामी जी? आज गोपाष्टमी है, हम गाय को क्यों पूजते हैं? गाय हमारी धरती पे ईश्वर का रूप है। गाय तो एक पशु है, उनको पूजने का क्या मतलब है स्वामी जी? ठीक है, गाय पशु है, लेकिन उसकी महानता को क्या आपने उसे पहचाना? गाय अगर इस संसार में नहीं होती तो मानव जाति ही नहीं होती। ओ कैसे? मानव जाति को इस संसार में सबसे पहले जीने के लिए किस बात की आवश्यकता है? अनाज की। अनाज कहाँ से बनता है? खेती से। खेती कौन करता है? बैल। बैल कहाँ से पैदा होता है?
गाय की योनि से। तो वो तो ठीक है, संसार में दूसरा कोई प्राणी नहीं है जो बैल के जैसा काम कर सके। स्वामी जी, लेकिन जब हम खेती नहीं करते थे तब हम जीते थे ना, जंगली पशुओं को मार के खाते थे तब भी हम जीते थे। पता नहीं किसने आपसे कह दिया कि हम जानवर खा के जीते थे। अरे भाई, जानवर खा के हम क्यों जिएंगे? और खेती बरसों से चली आ रही है, और जानवर को क्या चाहिए? अनाज ही चाहिए, उनको भी पेट भरना है। अब अनाज के लिए वो क्या करेंगे? जैसे कि बकरी है तो बकरी घास ही खाएगी, घास कहाँ से उगेगा? खेती से उगेगा। खेती का बाय प्रोडक्ट तो जानवर का सबसे अच्छा खुराक है। सारे जानवर खेती से ही जिंदा रहते, अगर खेती नहीं होगी तो जानवर जिंदा कहाँ से रहेंगे? और जब जानवर ही जिंदा नहीं रहेंगे तो हम उसे मार के खाएंगे कहाँ से? यदि खेती नहीं होगी तो ना मानव जाति होंगी, ना पशु होंगे, ना पक्षी होंगे। और यदि पशु प्राणी संसार में ना हो तो पेड़ पौधे भी नहीं हो सकते, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से आएगा इंसान को? और ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर पानी का भी होना संभव नहीं है। उस समय पृथ्वी प्राणहीन, वीरान, गोला बन के सौरव मंडल में रहेगी। लेकिन स्वामी जी, वो तो बहुत पुराने जमाने की बात है। आजकल तो ट्रैक्टर हो गया, बहुत सारे अत्याधुनिक मशीन हो गया, बैल की जरूरत नहीं है। जिस माँ ने आपको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया कि आज आप ट्रैक्टर बना सको, इंजन बना सको, अत्याधुनिक साधन बना सको, अब ये सब लायक बनने के बाद आप अपनी माता को इस तरह से तिरस्कार करोगे, उसे अनादर करोगे, तो ये आपकी मर्जी। दर्शकों, तो आपने देखा स्वामी जी का विचार गाय के बारे में क्या है। अब हम आपको स्टूडियो में वापस ले चलते हैं। हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए मीना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कर रहा है? तेरा तो ये जानवर बुढ़ा हो गया, दो तीन पैसे मिलेंगे, बेच डाल उसे। बुढ़ा तो तेरा बाप भी हो गया, उसको बेच डाल। मैं जानवर की बात कर रहा हूँ, तुम इंसान पर क्यों आते? अरे जानवर तो तू है जो इसके बेचने की बात करता है। भले के बारे में बोल रहा हूँ, तू मेरे पे चिढ़ता क्यों है? शर्म कर थोड़ा। तू मेरे बाप के बारे में बोल रहा है ना, वो बूढ़ा है, घर बैठा है, लेकिन खुद का खर्चा खुद करता है, सरकार उसे पेंशन देती है। क्या बोला तू? तेरा बाप है ना, सरकार के मेहरबानी खाते पे पलता है, ये जानवर है ना, अपना खर्चा खुद निकालता है, बूढ़ा हो गया तो भी आया सरकार के मेहरबानी खाते पे पलने वाला। और एक बात सुन ले, तेरा बाप ना सिर्फ तेरे को पाला है, तेरे फैमिली को पाला है, ये जानवर है ना, ये पूरे गांव को पाला है, पालता है अभी भी। ये देख, हम सारे दुनिया को जेब में लेकर घूमते हैं और आप गोमूत्र गोबर में पड़े हैं, कभी नहीं सुधरेगी। अरे वो तू मेरे को क्या दिखा रहा है, वो तो मेरे पास भी है, लेकिन तू जो जिसका मजाक उड़ा रहा है ना, कल अनाज खाने को पछताएगा। बढ़ाया सुधारने नया हुआ एक अटूट रिश्ता जो आज भी कायम है। अरे बाबा, इस खेती में हल जोतने के लिए जूने जमाने में बैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज भी मैं बैल का ही इस खेती में इस्तेमाल करता हूँ। खैर, ट्रैक्टर चलाता हूँ तो उसका खर्च भी आता है और मुझे वो सहना नहीं जाता, इसलिए मैं खेती में बैल का इस्तेमाल करता हूँ। यानी उदाहरण देता हूँ आपको मैं कि अभी मोबाइल निकला हुआ है तो घर का जो लैंडलाइन फोन है वो बंद हो चुका है क्या? नहीं ना। और आज ईमेल भेजते हैं कोई बातचीत करने के लिए, या ईमेल होता है तो पोस्ट बंद हो गया है क्या? नहीं ना। तो आप क्यों ऐसा बोलते हो? जूना होता है उसे छोड़ देना चाहिए क्या? जूना हो या नया हो, इसके आधार पर जो लोग जीते हैं उसको तो जीने दो। हवाई जहाज आ गया, उड़न कटेला आ गया है, रेल आ गई है, बस आ गई है, तो साइकिल को हमने छोड़ दिया है क्या? नहीं ना। ठीक है बाबा। विश्व गुरु भारत के
ऋषियों ने बार बार कहा है कि मानव जाति को प्राकृतिक नियम से ही जीना सुखदायक है, परंतु विज्ञान और तंत्र प्रणाली के दिन व दिन प्रकृति के साथ साथ जो यांत्रिक विकास हुआ है, इससे नानाविध समस्याओं के साथ साथ कई तरह के रोग बीमारियां और अशांति का भी विकास हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं इतना सबसे कहना चाहती हूँ कि हमें यहाँ तक लाने वाली हमारी पुरानी संस्कृति है, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। आज हमारी साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँची है, यहाँ तक पहुँची है। तो मैं इतना निवेदन कर रही हूँ सबसे कि पुराने वर्तमान को भूलना नहीं चाहिए आज के लिए, और संस्कृति का कदर करो, उसका मान करो। यार तेरे को तो मैं पहले ही बार बताया था बेच डालू से, पर आपने तो सुना ही नहीं। अब उसके दो पैसे कम हो गए, मार्केट का भाव ऊपर नीचे होता है, अब 50-500 रुपए तेरे कट हो गए। चल ले यार, 100 रुपए ज्यादा ही दे दोस्त के खाते, चल जा मजा कर। वर्तमान परिस्थिति के प्रतिकूल समय के सामने एक साधारण किसान कितना बेबस, कितना असहाय। किसान जमीन को अपनी माँ मानता है, और उसी माँ का सहारा जब टूट जाता है तब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। खाली यहाँ की ये हाल नहीं है, सारा देश के यही हाल है। मगर आप फिक्र मत करो, ड्राइवर तो मिल ही जाएगी, और अभी के लिए मैं हूँ ना, मैं ड्राइव करूँगी। जले पर नमक चल रही है। चलो अच्छा है, इतना आपको वो हुआ ऐसा सुना। वर्तमान युग में विज्ञान की प्रगति को निसर्ग की देन के रूप में हम स्वागत करते हैं। अगर हम आवश्यकता के अनुसार
विज्ञान का उपयोग और रोज की दिनचर्या के लिए प्राकृतिक साधनों का उपयोग करें, तो निसर्ग की सभी देन एक संतुलन और तालमेल के साथ मानव जीवन को सुख और समृद्धि की ओर ले जा सकता है, और यही आज समय की मांग है। गाय के दूध में चार तरह का विटामिन होता है, और वो विटामिन से अपनी तबीयत तंदुरुस्ती होती है, और जानवर का भी दूध होता है, तो गाय के दूध में जितनी पावर है उतनी पावर और एक जानवरों के दूध में नहीं होती है, इसीलिए गाय की सेवा होना जरूरी है, गाय का दूध पीना जरूरी है, और अपनी तबीयत को तंदुरुस्त करना जरूरी है। गाय का महत्व क्या है? गाय जिसके घर में होती है ना, वो घर में लक्ष्मी होती है। में इतना पावर है तो सारी दुनिया मान चुकी है, और वेदों ने भी उसका गवाही किया है। अपने देश भर में आज भी कुछ संस्थाएं इसी संदेश को लोगों में पहुंचाने में कार्यरत है, परंतु ऐसे कुछ संस्थाओं के ऐसे प्रयासों से सारा देश में हो रहा गौ शक्ति के प्रति अनादर को रोका नहीं जा सकता, जब तक हम सब मानव जीवन पर इस प्राणी की उपयोगिता को खुद ना महसूस करें। गौ शक्ति को बचाएंगे हम मिलकर सब आज खाए कसम। गौ शक्ति को बचाएंगे हम मिलकर सब आज खाए कसम। मिलके करेंगे वरदान है वो ईश्वर का, उपकार मानो आज गौ माता का, रक्षा करो तुम गौ माता।